नमस्कार मित्रों, हमने कई वीडियो में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे के बारे में बताया है और साथ ही साथ आप सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो पेड़ पौधा होते हैं इसमें अलग अलग प्रकार के देवी देवता निवास करते हैं, क्योंकि जो देवी देवता ने अपने निवास स्थान पेड़ पौधे पर ही बनाया है। तो मित्रों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा जिसके पास में होता है ये पेड़ का जड़ वह व्यक्ति धनवान बन जाता है। इस वीडियो को एक बार अगर आप अपने लिए पूरे देखते हैं तो आज की वीडियो में मैं जो जानकारी बताऊंगा ये जानकारी आपकी किस्मत संवारेंगे, आपके भाग्य संवारेंगे और आपके हर प्रकार की इच्छा की पूर्ति करेंगे। कई लोग जो कठिन परिश्रम करते हैं लेकिन इसके बाद भी एक वक्त तक के सही तरीके से रोजी रोटी नसीब नहीं कर पाते, वहीं पर एक व्यक्ति बैठे बैठे लाखों करोड़ों रुपए जो है दोस्तों खर्च करते रहते हैं, उड़ाते रहते हैं, फिर भी उनके जो धन की कमी नहीं होती। तो मित्रों, ये जो तांत्रिक वस्तु होती है आज की वीडियो में बताऊंगा जिसे अगर आप अपने पास में रखना शुरू करेंगे तो ये आपको धनवान बनाएंगे, आपके सभी प्रकार की इच्छा की पूर्ति करेंगे। पहले नंबर पे आते हैं सफेद पलाश। जो सफेद पलाश होता है थोड़ा सा मिलना दुर्लभ होता है, कीमती होता है, लेकिन अगर मिल जाए, इसके जड़ आपको प्राप्त हो जाए तो अन्न भंडार पे रख देते तो कभी भी आपके घर में अन्न की कमी नहीं होती। और ऐसा भी माना जाता है सफेद पलाश को, जी मित्रों, जो सफेद पलाश के पौधे हैं इसके नीचे में अगर आधा कप की मात्रा में दूध को रखा जाए तो वह एक कप होकर के बढ़ जाती है, यानी कि जो भी चीज़ इसके नीचे में रखा जाए उनकी बढ़ोतरी होती है। और इसके जड़ को अगर आप अपने धन पेटी में रखते हैं तो पैसों की बढ़ोतरी करता है। नंबर दूसरा, कुश की बांदा। कुश की बांदा जो होता है हर प्रकार की इच्छा की पूर्ति करता है, हमने इसके बारे में कई वीडियो बनाए हैं। कुश की बांदा बहुत ही पवित्र माना जाता है और इसे लक्ष्मी स्वरूप माना जाता है। पारस पीपल, जो पारस पीपल होता है ये लक्ष्मी को आकर्षित करता है। पारस पीपल आपको जंगल में मिल जाएंगे, पारस पीपल की पत्ते ला करके श्री लिख करके अगर धन पेटी में रखा जाए तो इसे धन में भी बढ़ोतरी होता है। काला हल्दी, इसे साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। जिसके पास में या फिर जिस घर में काला हल्दी होता है वहाँ पर नकारात्मक शक्ति आ नहीं पाते, राहु जैसे जो दुष्प्रभाव पापी ग्रह इनके जो है कुप्रभाव से पूर्ण रूप से घर की सुरक्षा करता है। हत्था जोड़ी को चामुंडा का स्वरूप माना जाता है। हत्था जोड़ी से वशीकरण का भी काम होता है, जहाँ हत्था जोड़ी रहता है वहाँ पे स्वतः ही धन खींचे चले आते हैं। तुलसी और पीपल के पौधे अगर एक साथ में इसके जड़ को आप रखते हैं अपने घर में धन पेटी में तो ये धन योग बनाता है। किन्नर और अपराजिता, ये दोनों जड़ को अगर एक साथ रखते हैं तो इससे भी धन मान नौकरी सब चीज की प्राप्ति होती है। लक्ष्मणा नाम की पौधा आता है, इसके जड़ भी अगर धन पेटी में रखा जाए तो इससे भी धन की बढ़ोतरी होती है। अगर आप इसे ताबीज में भर करके पहन लेते हैं तो अध्यात्म उन्नति होता है, जहां भी जाए आपको तरक्की मिलेगी। कुबेरकंद, जो कुबेरकंद होते हैं जैसे जैसे कुबेरकंद आपको बड़े आकार में मिलेंगे वैसे वैसे ये अब को उतना ही ज्यादा फल प्रदान करेंगे। जैसे कि कुबेरकंद घर में ला करके रखने से जैसे जैसे इनके आकार बढ़ता है, कंद का आकार बढ़ता है, वैसे वैसे घर में पैसा आना शुरू होते हैं। आखिरी में बताना चाहूंगा बेल के बांदा। बेल के बांदा मिलना दुर्लभ होता है, अगर बेल के बांदा किसी को सौभाग्य से प्राप्त हो जाए और अगर वह रंग भी व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी भिखारी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर इसे अपने पास में रख लेते हैं, अगर इसका जो ताबीज में धारण कर लेते हैं, पहन लेते हैं या फिर घर में स्थापित कर देते हैं, मात्र इसकी पूजा भी करते हैं तो उस घर में साक्षात माँ लक्ष्मी की आठ स्वरूप आकर के बैठ जाते हैं। और आप सभी दर्शकों को पता है माँ लक्ष्मी की आठ स्वरूप में क्या क्या है। तो धनवान बनना चाहते हो तो जिसके पास में ये जड़ होता है वह व्यक्ति धनवान बन जाता है। मित्रों, ये थी आज की छोटी सी जानकारी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।